अस्सलाम वालेकुम। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा ऐलान सामने आया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मरलावार स्कूल्स को खोलने का प्लान तैयार कर लिया है। इसके मुताबिक सबसे पहले डिपार्टमेंट जो है वो अपने हाई और सेकेंडरी स्कूल ओपन करेगा। हाई और सेकेंडरी स्कूल पहले ओपन होंगे और उसके बाद दूसरे मरले में मिडिल क्लासेस जो हैं छठी सातवीं और आठवीं जमात उनके लिए स्कूल ओपन किए जाएंगे। और पॉलिसी के मुताबिक ये 3 दिन जो है वो क्लासेस हुआ करेंगी, बाकी के 3 दिन जो है वो बच्चे घर बैठकर टेली स्कूल से तालीम हासिल करेंगे। तो ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि स्कूल जो है बालाखिर गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला कर लिया है कि वो स्कूल ओपन करेगी। इसके लिए ये लाजमी बनाया जाएगा कि हर स्कूल जो है वो अपने स्टाफ के लिए मास्क, सैनिटाइज़र, सोप और थर्मामीटर जो है ये हर स्कूल में चीज़ें मौजूद होंगी। असातिज़ा जो हैं वो बच्चों को पढ़ाते वक्त मुनासिब माशरती फासला रखेंगे और जो 3 दिन बच्चे स्कूल जाएंगे बाकी के 3 दिन जो है वो तलीम घर चैनल से उनको घर पर ही होमवर्क और पढ़ाई कराई जाएगी। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर थी कि बालाखिर बच्चों की सुन ली गई है, उनको दोबारा स्कूल में जो है उनकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी।